स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, इस बार सीबीएसई ने 2020-21 एकेडमिक सेशन में केमिस्ट्री के सिलेबस में कुछ चेंजेस लेके आए हैं। चेंजेस कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है। पिछली बार जो टॉपिक्स हटा दिए गए थे, जैसे सॉलिड स्टेट्स और नाइट्रोजन फैमिली या पी ब्लॉक के कुछ ग्रुप्स को हटा दिया था, इस बार वापस ऐड कर दिया गया है। तो जो नया पैटर्न है, जो पहला जो लास्ट सेशन तक फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन था, इस बार फर्स्ट चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट है। तो हम आज का सेक्शन इसी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरू करते हैं और हमारा फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में सबसे पहले बात अगर हम करें तो सॉलिड की, सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड एक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स, आयंस, जो एटम्स जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स जो कि कोहेंसिव होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। और जनरली इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मूवमेंट नहीं कर सकते। अगर उनमें मोशन होता है तो वो सिर्फ एक ही तरह का, और वो मोशन है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशंस दैट मींस वो मूव कर सकते हैं अबाउट अ एक्सिस, मतलब सॉरी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट पर ही क्या कर सकते हैं, उनमें मोशन पॉसिबल है। तो चलें अब हम सॉलिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो सॉलिड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है नंबर फर्स्ट, फर्स्ट कैरेक्टर इज फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें बहुत ही स्ट्रांग फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसीलिए इनकी शेप कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। अगर अपन सेकेंड कैरेक्टर की बात करें तो सेकेंड कैरेक्टर हाई डेंसिटी, क्योंकि ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड है। जो सॉलिड्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए ये हाई डेंसिटी को भी शो करते हैं। इनकी डेंसिटी बहुत ही हाई होती है और इजीली कंप्रेसिबल नहीं है। अगर हम बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की सॉलिड्स के, तो वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपको पता होगा, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर किसी भी सब्सटेंस की सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट इक्विलिब्रियम कंडीशंस में होती है, दोनों ही इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है, दोनों ही स्टेट, ऐसे टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, पता ही है वो क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। अब कुछ ऐसे सॉलिड्स भी होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अमाफियस, अमाफियस सॉलिड्स हम पढ़ेंगे, उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। और भी इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि वेपर प्रेशर, बहुत ही लो वेपर प्रेशर्स होते हैं क्योंकि वेपर फॉर्म में होते ही नहीं है। सॉलिड के जो पार्टिकल है इनके बीच में फोर्स इतना ज्यादा होता है कि इनके बहुत कम पार्टिकल्स वेपर फेज में पहुंच पाते हैं रूम टेम्परेचर पर। तो ये तो बात हुई कैरेक्टरिस्टिक्स की। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन, जो सॉलिड्स है उसको क्लासिफाई किया जाता है उनके हैजर्ड्स एंड बेसिस ऑफ द रेगुलर अरेंजमेंट। जो रेगुलर अरेंजमेंट और हैजर्ड्स के बेस पर सॉलिड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, नंबर फर्स्ट अमॉर्फस एंड नंबर सेकंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, एमॉर्फस जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है एमॉर्फस वर्ड से। एमॉर्फस वर्ड का मतलब होता है शेपलेस, यानी जिनकी कोई शेप नहीं होती। एमॉर्फियस सॉलिड्स में ना तो रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का या आयंस का, इनमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। और हम कह सकते हैं कि इनकी फिक्स्ड शेप एंड नॉट अ जियोमेट्रिकल फॉर्म, फिक्स्ड जियोमेट्रिकल फॉर्म में भी नहीं मिलते। हाँ, ये जो एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो काफी हद तक रिसेम्बल करते हैं लिक्विड के साथ। इनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो लिक्विड के जैसी होती है, जैसे कि ये रूम टेम्परेचर पे धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होते हैं, बहुत ही स्लोली स्लोली होता है, इसीलिए इनको सुपर कूल लिक्विड भी कहा जाता है। तो एमॉर्फस सॉलिड्स जैसे कि, हाँ, एक ये सॉलिड्स टू सॉलिड्स नहीं है, जैसे प्लास्टिक, ग्लास, रबर,
वो सारे के सारे सॉलिड इसी तरह के सॉलिड्स में आते हैं, इसी टाइप में आते हैं, जिनको एमोर्फस सॉलिड्स कहते हैं। और अभी हमने पढ़ा था कि इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या नहीं होता, शार्प नहीं होता। अगर हम दूसरे टाइप के सॉलिड्स की बात करें जिनका क्लासिफिकेशन किसके बेस पे, रेगुलर अरेंजमेंट एंड हैपहज़र्ड्स के बेस पे हुआ है, सेकेंड है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनका एक अरेंजमेंट, जिनमें मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट पूरा थ्रू आउट द 3D नेटवर्क में सेम रहता है, अरेंजमेंट सही एक जैसा रहता है 3D नेटवर्क में। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है वो ट्रू सॉलिड्स है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनमें बहुत ही छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स होती है, इन स्मॉल यूनिट्स को हम क्रिस्टल कहते हैं। अगर हम क्रिस्टल को डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? अगर हमें क्रिस्टल को डिफाइन करना है तो हम क्रिस्टल को कह सकते हैं कि क्रिस्टल एक इस तरह का एक सॉलिड फिगर है जिसमें फिक्स अरेंजमेंट, फिक्स जियोमेट्रिकल फॉर्म होता है, विथ है फ्लैट शेप, फ्लैट सरफेस एंड शार्प एजेस। तो यही क्रिस्टल की डेफिनेशन है। अब इसमें एक तरह के और भी टर्म्स आती है जिसमें आइसोट्रॉपी एंड अनआइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपांशन एक्सेट्रा सारी डायरेक्शन में एक जैसी रहती है, उसको हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिक सॉलिड। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आइसोट्रॉपी। अगर हम जितने भी एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं क्योंकि उनमें डिसऑर्डर होता है, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, तो जनरली हर डायरेक्शन में एक जैसी ही प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है, एक ही जैसी प्रॉपर्टी उसमें होती है। अगर हम दूसरे टाइप के सॉलिड्स की बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कि अनआइसोट्रॉपिक होते हैं। अनआइसोट्रॉपिक मतलब ये कुछ प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सिमिलर नहीं होती है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, AgI, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का जो अरेंजमेंट है आप देख सकते हैं, ये कुछ अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि इनमें जो थर्मल एक्सपांशन है एक डायरेक्शन में पॉजिटिव आती है तो दूसरी डायरेक्शन में नेगेटिव आती है, यानी सिमिलर नहीं रही। ये इसलिए होता है क्योंकि इनमें एक रेगुलर अरेंजमेंट, आप देखिए यहां पर कैसे बिल्कुल अगर हम इस तरह से अरेंजमेंट लेते हैं तो अलग मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उसमें, और अगर अपन इस तरह से उसका अरेंजमेंट ले रहे हैं तो अलग तरह के मॉलिक्यूल्स उसमें एक कट करते हैं अगर हम उसको तो उसमें अलग तरह का अरेंजमेंट आएगा। तो इस वजह से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो अनआइसोट्रॉपिक होते हैं। अब जो सिमेट्री ऑफ, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल। जो सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल है वो थ्री टाइप्स की होती है, जनरली थ्री टाइप्स की। नंबर फर्स्ट सेंटर ऑफ सिमेट्री, नंबर सेकंड प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड नंबर थर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, जैसा आप इस फिगर में देख रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट होता है सरफेस पे, एक ऐसा पॉइंट जो अगर हम इंटरसेक्ट करें तो हर सरफेस, जो दो सरफेस है वो इक्वल डिस्टेंस पे रहे, और ये एक ही होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक ही होता है। अगर हम दूसरी टाइप की सिमेट्री की बात करें तो वो है प्लेन सिमेट्री। प्लेन सिमेट्री एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन है जो इस क्रिस्टल को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे, यानी हम कह सकते हैं बिल्कुल मिरर इमेज फॉर्मेशन कर दे, तो वो होते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप फिगर में देख रहे हैं ये बिल्कुल कितने टाइप के हो रहे हैं, 9 टाइप के हो रहे हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये 9 होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सॉरी टाइप नहीं, 9 होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। और नेक्स्ट आता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है मतलब एक ऐसी इमेजिनरी एक्सिस कि जिसको अगर अपन क्रिस्टल को 360 डिग्री पे रोटेट करें तो एक ही जैसा फिगर कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, एक बार से ज्यादा बार रिपीट हो तो उसको हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ये भी आप इस फिगर में अच्छे से देख पा रहे हैं। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री 13 होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 होते हैं। तो टोटल अगर हम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री की बात करें तो 23। 1 इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री,
एंड 9 इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड 13 इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये तो बात हुई जनरल। जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम क्रिस्टल लैटिस क्या है या हम आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना है, एक तो नोट्स बनाने हैं, कॉपी लेके बकायदा नोट्स बनाइए आप, कोई डाउट हो तो हमसे पूछिए, और दूसरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।